आप देख रहे हैं KDS न्यूज़। देव श्रीवास्तव के साथ बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जिला अस्पताल पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने बाल विभाग से संबंधित निशुल्क उपकरण एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्वास्थ्य विभाग को दिलवाए हैं। इन उपकरणों के मिलने के बाद कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग को खासी मदद मिलने वाली है। हम आपको बता दें, इस दौरान CMO शैलेंद्र भटनागर और CMS जिला अस्पताल डॉक्टर अवध राम चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो 23 उपकरण दिलाए गए हैं वे सभी बच्चों के विभाग से संबंधित हैं। इस दौरान सभी ACMOs और स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। जो अचानक कभी सांस लेने में दिक्कत हो तो फिर बच्चे के गले में डाली जाती है। ठीक है। पहले हम सुनवाते हैं आपको कि इस दौरान सांसद और वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी ने क्या कहा। अब हम आपको सुनवाते हैं कि खीरी के CMO डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने क्या कहा। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें खबरों को जनहित में। हम लगातार आपके लिए ऐसी बेहतरीन खबरें लाते रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित चिकित्सकगण, मेरे साथ आए मेरे प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय जी, मेरे प्रवक्ता श्री अमरीश जी, दीपक पुरी जी, आए हुए सभी सम्मानित साथियों, इस समय दुनिया में एक बहुत बुरा दौर पिछले 2 वर्षों में देखा है। उसके दौरान दुनिया के सभी देशों में इस संक्रमण का प्रभाव हुआ और हमारा देश क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या का देश था और विकास विकसित देशों के अपेक्षा हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, इसलिए दुनिया की बहुत सारी एजेंसी ने यह आशंका जताई थी कि भारत में ये संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और भारत को चपेट में लेने के साथ साथ यहाँ की मृत्यु दर भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सीमित संसाधनों का सदुपयोग किया और जो साधन उपलब्ध थे उनके बेहतर उपयोग के द्वारा संक्रमण को कैसे रोका जाए, उसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और हमारे जो चिकित्सक साथी थे जिन्होंने कोविड में आगे बढ़कर के काम किया, हमारे पत्रकार मित्र थे, हमारे जो सफाई कर्मी थे, उन सबका हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने निरंतर न केवल उनसे बात की, उनकी प्रशंसा और उनके कामों के दौरे भी देश के सामने रखे, जिसके परिणाम स्वरूप आपसे जो अपेक्षाएं थी आपने उससे दोगुने से ज़्यादा काम किया और उसी के परिणाम स्वरूप हम न केवल दुनिया के बहुत बड़े देश होते हुए अपने देश में संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे, हमने मृत्यु दर को भी नियंत्रित किया। दूसरी लहर का एक ऐसा दौर आया जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण कई इस तरह की बातें हुई जिसके वजह से कुछ मृत्यु भी बढ़ी और हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल भी हुआ। उसमें कई जगहों पर राजनीतिक कारणों से भी था, कई जगह वास्तविक भी बातें थी, लेकिन उन सबका कारण सिर्फ इतना था क्योंकि हमारे पास संसाधन पर्याप्त नहीं थे। ऑक्सीजन का जो हमारा उत्पादन था उसके बारे में आज़ादी के बाद एक सामान्य प्रक्रिया चलती रही, कभी भी उससे विचार नहीं किया गया। अगर हम पैथोलॉजी की बात करें, टेस्टिंग लैब की बात करें, तो
बड़ा आश्चर्य होता है जब ये संक्रमण का दौर आया तो जब देखा गया तो पूरे देश में एक ही टेस्टिंग लैब थी। हमारे प्रधानमंत्री ने लगातार प्रयास करके आज हमारे पास 2500 से ज़्यादा टेस्टिंग लैब और ऑक्सीजन का उत्पादन हमने लगभग 12% बढ़ा दिया है। और प्रत्येक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 50 से अधिक बेड हैं लगभग वहाँ सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाए। तो अब सारी चुनौतियाँ जो अभी तक हमारे सामने आई उनके लिए हमने संसाधन निकाल लिए हैं। आने वाली चुनौती से हम ठीक ढंग से सामना कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इस संक्रमण को रोकने में हमारी सहायक होती हैं, संक्रमण हो गया होता है तो उसके प्रभाव को कम करने, दूसरों में फैलेना उसके लिए आवश्यक होता है। आप हमारी विस्तार से खबर को डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बनाने वाली एक हमारी प्रतिष्ठित कंपनी है कंकोर, तो उनसे मैंने कहा था, उनका एक CSR फंड होता है जिसके माध्यम से वो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने उनको कहा, उन्होंने हमारे ज़िले के लिए, हमारे जिला चिकित्सालय के लिए कुछ ऐसी सामग्री दी है जो कोविड की लड़ाई में हमारी मदद करेगी। आज ऐसी 13 सामग्रियाँ यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी 8 और आना है, वो भी मेरे ख्याल में आज आ गई हैं, अभी जैसे भी सूचना मिली है, लेकिन वो भी आपको आज चूँकि अभी वो सब बैक है आके लगेगा। ये 13 का प्रतीकात्मक रूप से ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इसकी सूची आपके पास है। ये हम लोग समर्पित कर रहे हैं जिला चिकित्सालय को, जो हमारी कोविड हमारे जिले की मदद करेगी और हम संक्रमण को सीमित रखने में सफल होंगे। निश्चय ही ये एक बहुत ही खराब समय था पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए भी, और इन परिस्थितियों में हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ्स ने जिस तरह से सहयोग किया है वो उनकी राष्ट्रभक्ति और उनकी राष्ट्रभावना के प्रति एक प्रामाणिकता है। मैं ऐसे सब लोगों को बहुत धन्यवाद देते हुए आगे भी हम इस तरह से काम करते रहें कि हमारा राष्ट्र बड़ा राष्ट्र है, हम सब सफल होंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। मेरी अपेक्षाएं भी हैं, मेरी उम्मीदें भी हैं, और मैं जानता हूं कि आप सब अपना सर्वश्रेष्ठ दे करके हमारे ज़िले को संक्रमण से दूर रखेंगे। मुझे यहां बुला करके आपने जो सम्मान दिया उसके आइए सुनते हैं कि CMO ने खीरी ने क्या कहा। अगला 1.5 महीना अगर हम इसको बचा ले गए तो फिर तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं, लेकिन उसके चलते पहले से ही कोई परीक्षा होती है तो हम सीधे परीक्षा में नहीं बैठते हैं, पहले तैयारी करते हैं। तो मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने बच्चों पे असर न हो उसके लिए कॉनकॉर्ड कंपनी है, भारतीय कंटेनर लिमिटेड, बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रेरित किया और उन्होंने इस जनपद को 21 आइटम्स बच्चों की सुरक्षा के लिए